नमस्कार दोस्तों, सीजन प्लांट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या अभी इसे पहचानते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया का सबसे तीखेपन मिर्च है, जो 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम शामिल हुआ है। इसके तीखेपन के वजह से ये दुनिया में मशहूर है। किसान भाइयों ने इसका खेती करके बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। खासतौर पर भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में ये ज़्यादातर होते हैं। इसको खेती के रूप में, खास करके उत्तर भारत में, सभी जगहों पर इसे आसानी से कर सकते हैं और अच्छे खासे मुनाफे भी कमा सकते हैं। हाल ही में इसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लोकल मार्केट में इसका वैल्यू कम से कम 600 से लेकर 1000 तक पर किलो बिक जाता है, और इंटरनेशनल मार्केट की बात तो छोड़ दीजिए, वहाँ पर तो इसका दाम और ज़्यादा है। उत्तर भारत में इसको खास कर मणिपुर, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इस राज्यों में ज़्यादा पाए जाते हैं। जिन लोगों के पास ज़मीन अवेलेबल है, उन लोगों के लिए ये खेती करना बहुत ही लाभदायक रहेगा, क्योंकि आजकल सरकार भी इसे इस खेती को करने के लिए सहयोग कर रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होने लगा है। इससे स्प्रे भी बनाया जाता है, और आजकल क्या करते हैं, इस मिर्च को अचार के तौर पर रख कर सालों तक इससे कमाई करते हैं, सुखा कर पाउडर भी बनाते हैं और तरह तरह की दवाइयाँ भी प्रस्तुत करने लगे हैं। इसलिए किसान भाइयों भी बहुत ज़ोर से ये खेती करने अब लग गया है, और काफ़ी हद तक बहुत सारे किसान भाइयों से मैं मुलाकात भी किया था। बहुत सारे किसान भाइयों ने कहा है कि उन लोगों के अच्छा खासा इनकम भी हो रहा है। इस खेती को करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम कैपिटल में आप ये खेती कर सकते हैं। इस खेती के लिए, प्लान के लिए आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सीड से आसानी से उग जाते हैं। दो तीन बीज लेने से आपका बहुत सारा प्लांट बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा बीज होते हैं ना, तो इसके बीज से आप आसानी से खेती कर सकते हैं। अगर आपके लिए पास ज़मीन नहीं है, तो भी आप पॉट या कंटेनर पर भी इसका खेती घर में खाने के लिए कर सकते हैं आसानी से। मैंने भी इसे अपने घर पर उगाया था। वैसे तो सदियों से हमारे यहाँ लोग उगाते हैं घर पर खाने के लिए। ये देखिए आप, प्लांट एक छोटा सा नन्हा बेबी प्लांट बना है यहाँ पर। इससे कहीं बीज गिर गया था या अपने आप उग गया है। इस तरह से बीज गिर जाता है कभी कभार, मैच्योर होने के बाद अगर नहीं तोड़ा जाए तो ये खुद ब खुद गिर जाता है। और इसको लोग नागा मिर्च, राजा मिर्च, किंग चिली, भुज जलकिया, ये सब नामों से जानते हैं। आपने मेरा प्लान को देख सकते हैं, कितना स्वस्थ प्लांट है। मैं यहाँ पर कोई खाद यूज़ नहीं कर रहा हूँ, दूसरा ऑर्गेनिक खाद। मैं सिर्फ काउडंग ही यूज़ कर रहा हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी कोई ऐसी रासायनिक सार प्रयोग ना करें, क्योंकि उस खाद से मिट्टी ख़राब हो जाता है। शुरुआती तौर पर आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन बाद में वो मिट्टी किसी काम के लिए लायक नहीं रहेंगे। मैंने एक बार ट्राई किया था, यूरिया का यूज़ किया था, लेकिन बाद में उस मिट्टी से कोई भी पौधा हमारा ग्रो नहीं हुआ था। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप काउडंग यूज़ करें। ये भी देख सकते हैं, मैं एक दूसरी जगह पर ऐसे कम कंटेनर में इसे उगाया हूँ, ये भी अच्छे खासे हो रहा है। सिर्फ काउडंग ही यूज़ कर रहा हूँ इस पर भी। मैं पहले ही कहता हूँ कि काउडंग के या बर्मी कंपोस्ट इसके अलावा दूसरा खाद यूज़ ना करें। ये प्लांट कितना स्वस्थ है, कितना ग्रीन है आप देख सकते हैं। इसका फ्लावर भी आ गया है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस प्लांट को
ज़्यादा वाटरिंग पसंद नहीं है। ज़्यादा वाटरिंग मिलने से ये पौधा जल जाता है। अगर वाटरिंग बारिश के सीज़न में अगर आप डायरेक्ट बारिश का पानी ना गिरे ऐसा कोई इंतज़ाम कर दे तो बहुत बढ़िया है। इसके रूट पर ज़्यादा पानी मिलने से इसका रूट झड़ जाता है और पूरा का पूरा पौधा आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लगता है। इसी तरह पौधा मर जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि पानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ना पाए। हाँ, कभी कभार ज़्यादा सूख जाने से आप सप्ताह में एक या दो बार हल्के से स्प्रे कर सकते हैं। ये थोड़ा खुली हवा जगह ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए और पानी तो ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो इसी तरह आप इंडोर पर भी कर सकते हैं आसानी से, थोड़ा रोशनी मिलने से हो जाएगी। लेकिन एक बात का और भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर कीड़े मकोड़े या कोई कीटनाशक कोई आक्रमण करेंगे तो बाज़ार में इसका दवाई भी अवेलेबल है। आप जाकर आसानी से खरीद के ला सकते हैं और स्प्रे करके इससे राहत पा सकते हैं। ये सीमेंट की थैलिया है, मैं इस पर भी कटिंग करके लगाया था। ये भी ग्रो हो रहा है, शायद ये भी बहुत जल्द बड़ा हो जाएंगे। ये थोड़ा बीच से मैंने उगाने के लिए कोशिश किया था, यहाँ पर भी उग गया है। ये भी एक प्लांट है, ये देख सकते हैं आप, सफ़ेद कलर का ये कीड़ा ने अटैक किया है। इस पर मैं चूना गोली करके मार दूँगा, पाउडर, ठीक हो जाएंगे ये। ये ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये आसानी से ठीक हो जाएंगे। इस ख़ास तौर पर इसका तो ज़्यादा से कोई बीमार नहीं होता है। अगर आप इसे खेती के तौर पर करना चाहते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमाना चाहते हैं तो आप सरकारी विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर जो होते हैं उससे सहायता भी ले सकते हैं। सरकार इसके ऊपर बहुत ही जोर दे रहा है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होते हैं। सरकार का भी मुनाफा होता है और किसान भाइयों को भी इससे बहुत ही मुनाफा मिलता है। और अगर आप बीज के आप प्रॉब्लम है या बीज आपको चाहिए तो आपके पास अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसका बीज आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं